हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज है मेरा बर्थडे और बर्थडे पे मैंने डिसाइड किया है कुछ मीठा बनाने का। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है सूजी का एगलेस केक। एगलेस केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले दो ज़रूरी काम करने हैं। पहला, हमें करना है अपना टिन तैयार, लाइक जिसमें हम केक को बेक करेंगे, हमें उसे तैयार करना है। उसमें मैंने एक चम्मच घी डाल के अच्छे से ग्रीस किया है, और यहाँ पर फिर मैं एक चम्मच मैदा उसमें डालूंगी उसको कवर करने के लिए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, इसमें आप एक चम्मच मैदा छिड़क कर उसको अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं और आपका ग्रीस जो टिन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा और केक भी बहुत अच्छे से डीमोल्ड होते हैं। तो ये हमने फैलाकर अच्छे से अपना टिन तैयार कर लिया है, इसको रख देंगे साइड में। ये देखिए, सारा कवर हो गया है इस तरीके से। और अब इसको, ये हमारा टिन तैयार हो गया है, इसको रखेंगे हम साइड पे। और दूसरी ओर हम चढ़ाएंगे कढ़ाई, जो कि सिम गैस पर हमने, मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी इसके अंदर डाला है, स्टैंड रख दिया है और गैस कर दी है ऑन। सिम से मिड के बीच में हमारी गैस होगी, ये प्री हीट होगा और इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए पानी को गर्म होने देंगे, इसको प्री हीट होने देंगे। आइए अब हम हमारा पेस्ट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, केक का बैटर बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया है ऑयल। मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, 1/2 कप ऑयल लिया है और उसमें मैंने 1 कप डाली है दही। दही ज़्यादा खट्टा ना हो, नॉर्मल दही हो। इसको अच्छे से विस्क की मदद से हम फेंट लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 कप शुगर। मैंने यहाँ पे पीस ली है, लाइक अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो नॉर्मल चीनी को आप ग्राइंड कर सकते हैं, और इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें बबल्स आने चाहिए मिक्स करने में। और अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 कप सूजी, जो बारीक सूजी मैंने यहाँ पे ली है, तो 1 कप सूजी है ये, इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। जब भी आप केक का बैटर चलाएं तो उसमें आप एक तरफ ही डायरेक्शन में विस्क को घुमाएं, उससे क्या होता है एयर प्रेशर अच्छा बनता है और आपका जो केक है वो काफ़ी अच्छा फ्लफी बनकर आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर तैयार है, बट अभी हम इसको 10 मिनट के लिए कम से कम इसको ढक के रखेंगे, इसको रेस्ट देंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने और सामान। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और अब आइए इसमें हम चेक कर लेते हैं, देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी आई है। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, और प्लस इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी किशमिश टेस्ट के लिए, जो कि इसके अंदर अच्छी लगेंगी। यहाँ पे मैंने डाली है 1/2 चम्मच जो है बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और इसी के साथ मैंने डाली है 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर की, और इसके ऊपर डालूंगी मैं 2 चम्मच दूध, इसको लाइक ये फर्मेंट होने के लिए। ये देखिए रिएक्ट करना शुरू कर दिया, और अब इसको मैं जल्दी से फेंट देंगे इसको, क्योंकि ये पाउडर्स डालकर हमें इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है। तो ये देखिए फर्मेंट होने लगा है, आप साइड में देख रहे हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो गया है और जल्दी से इसको डाल देंगे हम टिन के अंदर। ये देखिए कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लाइक क्विक रिबन बन के आता है। इसको कर देंगे हम टैप ताकि कोई गैप ना रहे अंदर। और चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। हमारा जो कढ़ाई था वो प्री हीट हो चुकी है, काफ़ी गर्म हो चुकी है, वो हटा के देखते हैं। ये देखिए अच्छे से धुआं आ रहा है इसके अंदर। तो स्टैंड पे अब हम रख देंगे अपना टिन, और मिनिमम 35 मिनट्स के लिए आपको इसको पकाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे अगर आपका केक का बेक टाइम 35 मिनट से 40 मिनट्स होता है, तो उससे पहले आप केक को ना देखें,
मतलब प्लेट ना हटाएं, उससे क्या होता है क्योंकि जो हमारी कढ़ाई का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी गर्म होता है, उस बीच में अगर आप उघाड़ कर उसको हटा कर ढक्कन देखते हैं तो वो ठंडी हवा के साथ रिएक्ट हो जाता है और वो लाइक उसका जो गर्म एटमॉस्फेयर होता है वो चेंज होता है, जिससे आपका केक जो है वो फ्लफी बनता बनता अंदर से पिचक जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 40 मिनट्स के लिए मैंने अपना केक बेक किया था और आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लफी केक बन के बिल्कुल तैयार हुआ है। चाकू की मदद से मैंने चेक किया है कि कहीं कच्चा तो नहीं है, तो ये देखिए मेरा चाकू जो है वो बिल्कुल क्लीन बाहर आया है, ये देखिए। अब ठंडा होने पर इसको हम निकाल देंगे और यहाँ पर इसकी डेकोरेशन की है मेरी बिटिया ने, उसने एडवाइस किया मामा इसको चॉकलेट से हम सजाएंगे, तो चॉकलेट्स उसने चॉकलेट बिस्किट से उसने इसको सजाया है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर